कोल्हापुर में विकास के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के इतिहास और परंपरा से बंधे जिले कोल्हापुर को अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का प्रयास लगातार चल रहा है। वहाँ NH 166 पर 6,300 करोड़ रुपए की लागत से कोल्हापुर से रत्नागिरी के बीच 145 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाईवे बहुत जल्द ही तैयार होने जा रहा है। ये राजमार्ग रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, मिराज, सोलापुर को जोड़ने वाला है, तो वही रत्नागिरी और नागपुर को जोड़ने वाली अहम कड़ी बनने जा रहा है। वही कोंकण को विदर्भ से जोड़ने और पश्चिमी महाराष्ट्र से मुंबई गोवा हाईवे से भी संपर्क आसान करने में इस हाईवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। इतना ही नहीं, कोल्हापुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बास्केट ब्रिज का निर्माण हो रहा है। 180 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज के बन जाने से शिरोली से कोल्हापुर की कनेक्टिविटी बहुत सुगम हो जाएगी। साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भी आवाजाही निर्बाध रहेगी। उसी तरह 840 करोड़ रुपए निवेश करके NH 166 पर कोल्हापुर से सांगली तक सड़क को 4-लेन करने का काम भी होने वाला है, जिससे कोल्हापुर और आसपास के हर वर्ग और क्षेत्र का विकास होगा। इन उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण से कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। वही कोल्हापुरी कारोबार में भी वृद्धि होने से क्षेत्र में खुशहाली आएगी।